हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एकदम कम तेल में बनी हुई वेजी आलू टिक्की बनाएंगे। तो वेजी आलू टिक्की बनाने के लिए गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन में अराउंड 2 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद आधा कप कट किया हुआ फणसी, आधा कप गाजर, आधा कप स्वीट कॉर्न, उसके बाद आधा कप हरा मटर। तो हरा मटर एंड स्वीट कॉर्न मैंने फ्रोजन लिया है। उसके बाद एक मोटी साइज की चिली को मैंने कट कर लिया था, तो 2 से 3 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ चिली है। अच्छे से वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 3 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो ये वेजिटेबल्स को मैंने पौना जितना ही कुक किया है ताकि पेटीज में अच्छे से वेजिटेबल्स दिखे, इसलिए ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून जितना आमचूर पाउडर। उसके बाद हम बॉईल किया हुआ आलू डाल देते हैं। तो 4 मीडियम साइज का मैंने आलू को बॉईल किया था। उसके बाद स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। अच्छे से आलू को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने मसाला को टेस्ट भी किया था, बहुत बढ़िया बना है, खट्टा और थोड़ा सा स्पाइसी जैसा। तो गैस की फ्लेम बंद करके मसाला गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। तो ये मसाला को आप ठंडा करके भी पेटिस बना सकते हो और गरम गरम जो बनाना है तो भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा मसाला को ठंडा कर लूंगी, ठंडा हो जाना उसके बाद मैं पेटिस बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो चलिए हम उसमें से मीडियम साइज की पेटीज बनाएंगे। तो पेटीज की साइज आप अपना हिसाब से बना सकते हो। और ये पेटीज को मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसमें कुछ आटा या ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं डालना है। अगर आपको ये पेटीज को फ्राई करना है तो उसमें ब्रेड क्रम्स भी डालना पड़ता है, ताकि फ्राई करते टाइम आलू का मसाला है ना वो अलग हो जाता है। बट मैं ये पेटीज को तवे पर सेकने वाली हूँ, इसलिए उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए, हमने जितना मसाला बनाया था ना उसमें से हमने उतने पेटिस बना लिया है। तो चलिए हम ये पेटिस को शेक लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो उसमें हमारी पूरी की पूरी पेटिस आ जाएगी। तो मैंने जितनी पेटिस बनाया था ना पूरी की पूरी मैंने रख दिया है। तो दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम पेटिस को सेक लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर डालेंगे तेल। तो इस तरह से तेल लगा के दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम पेटिस को शेकेंगे।
तो आप इस तरह से वेजिटेबल्स से भरपूर आलू टिक्की बना सकते हो, और ये आलू टिक्की आप अकेली भी खा सकते हो और बर्गर में भी यूज कर सकते हो, और ये टिक्की के ऊपर दही या खट मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी डाल के भी चाट भी बना सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं ये आलू की टिक्की है ना खट मीठी इमली की चटनी के साथ एंड हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।